सब्सक्राइब करें सीसी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें आने वाले लेटेस्ट बेंटन और एनिमे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। Benton at the top, I'm a Hoshia. Go try your superhero, but what them had the yeah. Benton at the device, go bang it, hooray. But you have to have some looks on the same. Your mushkins are bad, hey. Papa's not, hey. Benton. Rocky the hard cry, yeah, hero time. Benton. हेलो गाइस एंड देयर वेलकम बैक टू सीसी एक्सप्लेन्ड और आज का ये वीडियो बेंटन ऑमनीवर्स एक्सप्लेन्ड सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं बेंटन ऑमनीवर्स के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा और हां आप मेरे इस सीरीज के प्लेलिस्ट को जरूर बुकमार्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन मैलवेयर से लड़ रहा होता है फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर और फिर बेन का टाइम आउट हो जाता है और फिर बेन नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फीडबैक में और फिर फीडबैक काफ़ी इजीली मैलवेयर को डिफीट कर देता है और फिर उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जंबो जो किसी चीज़ को लेकर भाग रहा होता है और बेन और उसकी टीम उसका पीछा कर रहे होते हैं और फिर बेन लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंबो जो से वो चीज़ काफ़ी आसानी से ले लेता है और फिर बेन केविन और ग्वेन से बात कर रहा होता है और केविन और ग्वेन वहाँ से चले जाते हैं और फिर बेन उन्हें दुखी दुखी बाय करता है और फिर बेन अपने कार में बैठ कर कहीं जा रहा होता है और फिर बेन प्लम्बर्स और हेडक्वार्टर में चला जाता है और फिर वहाँ मैक्स टेनिसन यानी कि ग्रैंडपा मैक्स खाना बना रहे होते हैं और वो खाना बेन पर हमला कर देता है और फिर अलार्म बजने लगता है और बेन एक जगह जाता है जहाँ सब कुछ टूटा होता है और फिर हमें खाइबर दिखाया जाता है उसके डॉगी जेड के साथ और उसका डॉगी जेड फिर क्रैप डॉजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन उसे बचने के लिए स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर स्पाइडर मंकी काफ़ी मुश्किल से क्रैप डॉजर के हमले से बच पाता है और उसके बाद क्रैप डॉजर वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि खाइबर का डॉगी जेड उसी के पास खड़ा होता है और फिर बेन एक एलियन जिसका नाम पकमर होता है उसे थोड़ी बातें करता है और फिर बेन मिस्टर बॉनमन के शॉप में जाता है पर मिस्टर बॉनमन बेन को वहाँ से भगाने लगते हैं पर बेन नहीं जाता है और कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वहाँ रखे कैन के डेर को गिरा देता है और फिर कैनन बोल्ट जाके एक चेयर पर बैठ जाता है जो कि टूट जाता है और फिर वहाँ एलियन गुंडे आते हैं जो कि हफ्ता वसूली करने आए होते हैं पर बेन उन्हें मना कर देता है इसलिए वो हमला कर देते हैं और बेन भी जवाबी पलटवार कर देता है और तभी उनमें से एक एलियन वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर देता है जो कि लॉक हो जाता है और तभी वहाँ से रुक उड़ता है और बेन को अपना इंट्रोडक्शन देता है पर बेन बोलता है कि उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं और बेन बहस ही कर रहा होता है कि तभी रुक उन तीनों एलियंस को पकड़ लेता है और उसके बाद बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बेन उन सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और फिर रुक उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम होता है और तभी बेन ब्लॉक्स की हेल्प से उस बॉम्ब को कहीं दूर फेंक देता है जिससे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धमाका होता है पर किसी को कुछ नहीं होता और फिर बेन खाइबर को देख लेता है और उसके पीछे जाता है पर उसे खाइबर नहीं मिलता पर वहाँ अंडरटाउन जरूर मिल जाता है और फिर हमें लास्ट सीन में खाइबर दिखाया जाता है उसका डॉगी जेड के साथ और यही होता है एपिसोड ख़त्म। तो बस यही था बेंटन ऑमनीवर्स के सीजन 1 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन और आप मेरे इस सीरीज के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करके बुकमार्क कर लीजिएगा जिससे मैं जितनी भी न्यू वीडियोस इस सीरीज में अपलोड करूं उन सभी वीडियोस को आप काफ़ी आसानी से देख सकें। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और अब बेंटन ऑमनीवर्स के सीजन 1 के एपिसोड 2 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।